नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, आज आप सभी के लिए एक अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे एक इन्फॉर्मेशन आई है आप सभी के लिए, यूपी एएसआई एसआई के लिए है ना, जो गोपनीय है, पद मिनिस्टीरियल वाले भी हैं उनके लिए, जो टाइपिंग और स्टेनो है उसके लिए, जो अभी नियमावली 2015 थी उसमें संशोधित जो हुआ है, यानी कि अभी जो होना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है। हालांकि ये सब पहले ही आपको पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट पे आया है, नया आया है, तो आपको जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा नया क्या आ गया है, उसको मैं बता दूं। ये बाकी कुछ नहीं है, ये आपको भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कब आया। इसने इतना बोला है कि 2000 नियमावली 2015 यथा संशोधित 2020 के अधीन संपन्न की जा रही, जिसमें पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पद हेतु टंकण एवं आशु लिपिक यानी कि स्टेनो परीक्षा हेतु निम्नवत प्रावधान है। प्रावधान क्या है ये देख लेते हैं हम, कि जो पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय वाला था कॉन्फिडेंशियल, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक समक्ष सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित 2020 के नियम 10 का जो उपनियम 3 खा और गा है उसका अलग से दिया हुआ है। उसमें दिया क्या हुआ है, बस ये दिया हुआ है कि उपनियम जो 3 गा है और 3 खा है, 3 खा में ये दिया है कि जो हिंदी है उसके लिए 25 वर्ड कम से कम होनी चाहिए, और अंग्रेजी है उसके लिए 30 कम से कम होना चाहिए, आपको पहले से पता है। और ये भी पता है कि यूनिकोड, मंगल में यूनिकोड इंस्क्रिप्ट, मंगल इंस्क्रिप्ट लेगा, ठीक है ना। 3 गा में क्या कह रहा है, आशुलिपिक के लिए न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपिक श्रुत लेख यानी कि डिक्टेशन होगा, उसके बाद आपको टंकण उस पर उतारना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग वगैरह दिया गया हुआ है। पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 वही चीज लिख रहा है। इसके आगे में इतना उसने बता दिया है कि इसमें है क्या, बाकी वही 25 शब्द 30 शब्द कुछ नया नहीं है। यहां पे देख लेते हैं कि जो गोपनीय वाला पद है कॉन्फिडेंशियल, एसआई का जो कॉन्फिडेंशियल पद है, उसमें अंग्रेजी के लिए 30, हिंदी के लिए 25, 15 मिनट दोनों के लिए बराबर समय मिलेंगे। इसमें आपको 500 शब्द मिलेंगे और अंग्रेजी हिंदी वाले में आपको 400 शब्द मिलेंगे। जो प्रतिशत आपकी शुद्धता है, एक्यूरेसी है, वो 85% की एक्यूरेसी होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर एक्यूरेसी 85% से कम हो जाती है तो आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक्यूरेसी जब भी आप प्रैक्टिस करते रहो तो एक्यूरेसी मैक्सिमम करते चलो, है ना। आपकी 95, 93, 94 गलती है तो आप उसे और भी बढ़ाने का प्रयास करो, है ना। 85 है ये बहुत कम होता है। अंग्रेजी हिंदी टंकण परीक्षा के मध्य जो अंतर होगा वो 10 मिनट दिया होगा, पहले आपकी इंग्लिश कराई जाएगी उसके बाद आपका हिंदी कराया जाएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश वाला आपका पहले होगा, हिंदी वाला बाद में होगा, दोनों के बीच में 10 मिनट का समय होगा। और ये भी है कि तीनों के लिए अलग अलग टाइपिंग भी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। आशु लिपिक में क्या होगा, 80 वर्ड पर मिनट होगा। स्टेनो की जो परीक्षा होती है इसमें क्या होगा कि आपका वहां पे बोर्ड पे जो आपका एग्जामिनर होगा वो खड़ा होकर जिसे डिक्टेशन करेगा, जिसे इमला बोलते हो, उसके पास जो शब्द सीमा होगी वो 400 शब्दों की होगी, है ना। 400 शब्द वो 5 मिनट में बोलेगा, आप ऐसे समझो 5 मिनट का समय लेगा और 5 मिनट में 400 शब्द वो बोल जाएगा। उस 400 शब्द को आपको अपने जो आप स्टेनो की राइटिंग या बोल सकते हो, कोड बोल सकते हो, उसमें आपको उतारना होगा। वो कॉपी आपको बोर्ड ही देगा, इसमें लिखा हुआ है कॉपी बोर्ड ही देगा, आपको अपनी तरफ से ले जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप लिखोगे पेंसिल या पेन देगा, हर जगह पेंसिल दिया जाता है, आपको भी पेंसिल ही दिया जाएगा, ज्यादा केस यही है, ठीक है ना। और उसके लिए कॉपी भी दी जाएगी, छोटी सी नोटबुक टाइप में होगी, वो भी बोर्ड ही देगा, आपको अलग से ले जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपकी टाइपिंग में भी कीबोर्ड आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, ना ही अमान्य होगा, वहां पे कीबोर्ड आपको दिया जाएगा। कीबोर्ड में पूरा अंग्रेजी फॉर्मेट में रहेगा, जैसे ये वाले कीबोर्ड होते हैं, मैं आपको दिखा दूं, इसमें कुछ ऐसा आपको हिंदी नहीं लिखा रहेगा, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इसमें कहीं हिंदी वाला शब्द लिखा रहेगा, हिंदी नहीं लिखा रहेगा, नॉर्मल कीबोर्ड होगा, वो आपको याद रहनी चाहिए। कीबोर्ड आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इससे कौन सा मात्रा, कौन सा शब्द बनता है, कौन सा अक्षर बनता है। स्टेनो की बात करें तो डिक्टेशन के बाद आपको वही चीज कंप्यूटर पे टाइपिंग करके टंकण के माध्यम से वो उतारना होगा। वहां पे ध्यान दीजिएगा, वो आपका मंगल में ही रहेगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि आप कृतदेव में भी कर सकते हो, जब मंगल हर जगह मांगा है तो मंगल ही सीख के जाओ, ठीक है ना। वो आपका 15% त्रुटि वहां पे भी कर सकते हो, मतलब 85% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। इससे ज्यादा, इससे कम एक्यूरेसी होती है तो वहां पे भी आप क्या कर दिए जाओगे, फेल कर दिए जाओगे। और जो टाइपिंग करनी होगी उसके लिए भी जो समय है 40 मिनट का समय है। ये 40 मिनट टाइपिंग किसके लिए समय है, जो आप स्टेनो में जो कोड करके लिखोगे, है ना, आप उसको 40 मिनट में अपने कंप्यूटर पे उतारना होगा। ये आपका
और बाकी जो शुद्धता का फॉर्मूला दिया हुआ है, शुद्ध शब्दों की संख्या बटे गद्यांश में कुल शब्दों की संख्या, जैसे अंग्रेजी वाले में 500, हिंदी वाले में 400 है, गुणे 100 का देगा। टंकण की जो गति होगी वो अभ्यर्थियों की टंकित कुल शब्द जितने होंगे वो 500 शब्द बोलेगा। आप कितने शब्द कर रहे हो अपॉन अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त समय, कितना समय लिया जा रहा है उससे आपका निकाल लिया जाएगा। तो ये अभी अभी 22 दिसंबर को अभी अभी बोर्ड पे कुछ देर पहले गरम गरम आया है। इसके अतिरिक्त जो मृत आश्रित वाले हैं उनके 38 पद के लिए रिजल्ट भी आ गया है। कुल मिला के 31+2 33 पद के लिए टोटल उनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। और जो पीएससी वाले हुए हैं जिनका प्रमोशन के माध्यम से नागरिक पुलिस में है ना, यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, पीएससी वालों में जो प्रमोशन से होना था करीबन 1600 पद थे, उसमें जो शारीरिक दक्षता परीक्षा था उसमें जो रेस है उसका आ गया है। तो वह बोर्ड की भर्ती उससे देख लीजिएगा वहां पे, वो आप अलग से, ठीक है ना। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी एएसआई के लिए, एसआई के लिए, मुझे उचित लगा आपको बताने के लिए। आप अपनी तैयारी जारी रखो। और बहुत सारी जगह ये हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 7 गुना बुलाया जाएगा, 8 गुना बुलाया जाएगा, अब 50% बुलाया जाएगा। अभी कंफर्म कुछ न्यूज़ नहीं है। नियमावली 2015 यही कहती है कि मैक्सिमम बुलाए जाएंगे। और अगर पहली बात तो बहुत कम बच्चे पास ही होंगे, तो अगर वो 7 गुना 8 गुना भी बुलाएगा तो भी आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा 85-87 जाएगा। इसलिए ये मान के चलो जितने भी बच्चे क्वालिफाई हो रहे हो सभी लोग टाइपिंग और डीवी के लिए बुलाए जाओगे, ये बात निश्चित है। इसे मैं फिर से बार बार बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, बहुत बहुत आभार सभी का।